यमुनानगर में जगाधरी सरपंच एसोसिएशन ई टेंडरिंग के विरोध में उतर आई है। इतना ही नहीं, सरपंच एसोसिएशन द्वारा जगाधरी के बीडीपीओ कार्यालय पर ताले लगा दिए गए। सरपंचों का कहना है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार पंचायती राज को खत्म करना चाहती है। सरपंचों का आरोप है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से ठेकेदार काम करते वक्त पूरा पैसा नहीं लगाएंगे और गांव में हुए कामों की जिम्मेदारी सरपंच पर होगी। वहीं सरपंचों ने अपने मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए करने और राइट टू रिकॉल बंद करने की भी मांग उठाई है। मामला ये है जी, एक तो ई टेंडरिंग जो ई टेंडरिंग के खिलाफ जो हमने होकर रखा है, ई टेंडरिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ठेकेदार है, आप कुछ समझदार है, कोई भी ठेकेदार है तो वो एक तो पूरा पैसा नहीं लगाने का, वो सोचेगा कि भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से पैसे करूँ। तो हम इसके खिलाफ हैं कि ई टेंडरिंग बंद हो और एक जो रिकॉल राइट टू रिकॉल है उसको वापस लिया जाए। दूसरी एक तीसरी हमारी एक और मांग है कि जो हमारा मानदेय है ना वो बढ़ाया जाए, 15,000 रुपये कम से कम मानदेय होना चाहिए। तो बस फिलहाल तो यही है। तो अभी जो 2 लाख की विकास कार्यों की अभी वो आप 2 लाख तक करवाओगे, उसके ऊपर से जो टेंडरिंग होगी वो, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ही है जी, आप ये देखो भी कोई भी, पहली बात तो 5 लाख तक के कोई ठेकेदार टेंडर नहीं पकड़ेगा। एक तो उसमें काम में देरी होएगी, कोई भी काम है उसमें देरी होएगी। दूसरा मटेरियल नहीं अच्छा लगाने के, कोई भी ठेकेदार है उसका बिजनेस है, वो सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाऊँ। मामला ये है जी, एक तो ई टेंडरिंग जो ई टेंडरिंग के खिलाफ जो हमने होकर रखा है, ई टेंडरिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ठेकेदार है, आप कुछ समझदार है, कोई भी ठेकेदार है तो वो एक तो पूरा पैसा नहीं लगाने का, वो सोचेगा कि भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से पैसे करूं। तो हम इसके खिलाफ हैं कि ई टेंडरिंग बंद हो और एक जो रिकॉल राइट टू रिकॉल है उसको वापस लिया जाए। दूसरी एक तीसरी हमारी एक और मांग है कि जो हमारा मानदेय है ना वो बढ़ाया जाए, 15,000 रुपये कम से कम मानदेय होना चाहिए। तो बस फिलहाल तो यही है। अभी जो 2 लाख की विकास कार्यों की अभी वो आप 2 लाख तक करवाओगे, उसके ऊपर से जो टेंडरिंग होगी वो, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ही है जी, आप ये देखो भी कोई भी, पहली बात तो 5 लाख तक के कोई ठेकेदार टेंडर नहीं पकड़ेगा। एक तो उसमें काम में देरी होएगी, कोई भी काम है उसमें देरी होएगी। दूसरा मटेरियल नहीं अच्छा लगाने के, कोई भी ठेकेदार है उसका बिजनेस है, वो सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाऊँ। बता दें कि बीते दिन भी हरियाणा के कई जिलों में इस तरह बीडीपीओ दफ्तरों पर ताले लगाए गए हैं। जब से हरियाणा सरकार ने पंचायतों के काम की स्लैब जारी की है, तब से ये विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं अब देखना ये होगा कि सरकार इन मांगों पर गौर फरमाएगी या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।